पूरी गली का दर्द। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। टीवी तो आप देख ही रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यहां से गुजरेंगे। उनका बताया जा रहा है कि खुली जीप से रोड शो करते हुए इसी गली से निकलेंगे। ये पीछे 80 का घाट है और ये सामने वो मशहूर चाय की दुकान है जिसका जिक्र आपने जगह जगह सुना होगा, पप्पू जी की चाय की दुकान, जहाँ हर शाम राजनीतिक चर्चाएँ, बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक चर्चाएँ चलती हैं। काशीनाथ सिंह जी की जो किताब है काशी का 80, बहुत मशहूर किताब, उसमें इस किताब का बड़ा जिक्र है। लेकिन आज इस गली में आप खोजेंगे तो बहुसंख्यक जो हैं वो टोपी वाले हैं, भगवा टोपी वाले। नई टोपियां लगता है कि छपकर आई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो लोगों के कटआउट्स भी दिख रहे हैं, वो कटआउट भी दिखाओ। और क्या है कि टोपियाँ इस तरह से बांटी गई हैं कि आम जो यहाँ दुकानदार हैं, काम करने वाले हैं, यहाँ तक कि जो विदेशी हैं, जो विदेशी भी हैं, उनको भी टोपियाँ पहना दी गई हैं। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने टोपियाँ नहीं पहनी हैं। तो रंग पूरे इस गली का इस समय केसरिया हो चला है। आइए यहाँ के किसी लोकतांत्रिक सुंदर राजनीतिक चर्चा में शामिल होते हैं और आपको भी शामिल करवाते हैं। थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी यहीं से गुजरेंगे, उससे पहले यहाँ इनको जाना है, मोदी में हो गया, बैठ गए यहाँ पे। हाँ। कौन मोदी में हो गया है? अरे ये हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और ये भाई मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मतलब मोदी जी का विरोध इन सहमत हैं उनसे? हाँ। उनसे नहीं सहमत, असहमत है, दूसरी पार्टी से है तो स्वाभाविक है, मन में कुछ है, बाहर कुछ रह सकता है। लेकिन ये सुबह 11 बजे, अभी 11 बज रहा है, ये रोज 9 बजे यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आज बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं ये, इनका भी मन नहीं मान रहा है, देखे बिना ये भी नहीं रह पा रहे हैं। क्यों सर? नहीं, दो तीन चीजें हैं, मैं भी आता हूं विधायक जी। एक तो ये कि गरीबों के मसीहा बनने वाले मोदी, गरीबों के बच्चे एक गुब्बारे के लिए तरसते हैं और लाखों और करोड़ों के गुब्बारे बहा रहे हैं अपने दौरे में, मैं इसको देख रहा हूँ। खर्चा तो किया है, खर्चा देख रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके गरीबों के बच्चों को एक गुब्बारा नहीं मिलता, यहाँ पूरा शहर गुब्बारे से सजाया गया है, उसके बाद भी गरीबों के मसीहा बनेंगे मोदी जी, मैं यह देखने बैठा हूँ। ये जो गुब्बारे हैं, मतलब एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, और जैसे होली की एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जो भी गली में उतर कर आता है उसको रंग लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर भी जो नया आदमी पहली बार गली में आता है उसको भाजपा के कार्यकर्ता टोपी ऑफर करते हैं कि टोपी पहनिए, नरेंद्र मोदी का स्वागत कीजिए। पूरी गली को भाजपा के रंग में, जो कि हरा और केसरिया है, भाजपा की झंडे का रंग जो है उसमें सजाया गया है। बीच बीच में पुलिस की गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ियों को खाली करा दिया गया है, आज सिर्फ पैदल लोग यहाँ से चल रहे हैं, टू व्हीलर्स चल रहे हैं कटआउट्स के साथ, लोग नरेंद्र मोदी का कटआउट और उनका मुखौटा पहने हुए इधर उधर बात कर रहे हैं। हमारे साथ नरेनी के विधायक जी भी हैं, राजकरण कबीर जी हैं। कितने विधायक जी आए हैं कबीर जी? जी, उनके नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आसपास के और भी कई विधायक लोग आए होंगे। जी जी जी, हमारे बुंदेलखंड से सभी विधानसभा क्षेत्रों से लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और चुनाव लड़ चुके सभी प्रत्याशी आज बनारस में मोदी जी के रोड शो में भी शामिल हैं, और हम सब लोग गया चरण दिनकर जी वाली सीट से। जी जी जी, इस बार क्या है? गया चरण दिनकर का हाथी पस्त हो गया है, पस्त हो गया, और साइकिल पंक्चर है, साइकिल पंक्चर है, और फूल फूल खिलेगा खिलेगा। जी जी, आप लोग बड़े दावे से कह रहे हैं, लेकिन अंदर की रिपोर्ट है कि अभी मिल नहीं रहा है किसी को बहुमत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस बार बीजेपी का पूर्ण बहुमत होगा। अच्छा, एक चीज, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो स्वयं में अपने आप को इतना उत्साहित महसूस कर रहा है कि वो खाली बैठना नहीं चाहता। जहाँ चुनाव हो चुका है वहाँ का कार्यकर्ता, जहाँ जहाँ यूपी में चुनाव होगा, जिन जिन चरणों में होता रहेगा, जाता रहेगा। यहाँ कहाँ कहाँ से आए? अब यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चार मैं दिलीप राजपूत हूँ, और चौकी बात जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, और हमारे विधायक जी मित्र हैं। अच्छा, और हम बिल्कुल बुंदेलखंड के कार्यकर्ता भी खूब आए। हाँ, बुंदेलखंड के बहुत कार्यकर्ता हैं जो है। होटल नहीं मिल रहा है हम लोगों को, मीडिया वाले नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग गलियों के होटल में रुके हुए है, और पूरी उत्साह से हम लोग संगठन में और पार्टी की नीतियों को बताकर अभी यहीं से गुजरते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने प्रधानमंत्री जाएंगे, है ना? वो जाएंगे वहीं। ठीक है, कितने बजे का समय है? कुछ लेट हो गया मामला, आधा घंटा लेट है मेरे ख्याल से। बीएचयू तो आ गए हैं ना, बीएचयू आ चुके हैं, तो बस तो आ ही जाएंगे।
ये पुलिस भी बीच बीच में निकलती है और 2 लाख लोग गुजरात से और पूरे प्रदेशों से 2 लाख लोग आए हैं। घबरा के बोल रहे हैं ये इनका नहीं, देखिए हमारी हताशा नहीं, मेरा एक कहना है कि अगर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया 3 साल में तो बनारस शहर की 3 सीटों को बचाने के लिए भारत सरकार की आधी कैबिनेट क्यों बैठी है? मोदी ये सवाल तो लोग पूछेंगे, ये तो पूछेंगे। ये प्रचार अगर कांग्रेस वाले कर सकते हैं तो भाजपा वाले भी कर रहे हैं अपने तरह से, 4 दिन रुके चाहे 14 दिन, ये क्यों परेशान है? ये अपनी सीट निकाले। इसके पहले भी हमने बनारस का चुनाव देखा है, बहुत आराम से 26 साल तक दक्षिणी कैंट और उत्तरी बनारस में भाजपा जीतती रही, बिना किसी बड़े नेता के आए हुए आराम से जीतती रही। ऐसा क्यों है कि इस बार इसी पर बात करें, ऐसा क्यों है? क्या श्याम दादा को टिकट नहीं दिए? एक तो टिकट बंटवारा, श्याम देवराव चौधरी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता की अवहेलना। आम जनता सोच रही है जब ये श्याम देव के नहीं हुए तो और किसी के क्या होंगे? ये पुश्तैनी कोई सीट नहीं है कि कोई अपने सीट कोई दादा को लड़ाए, हर बार प्रत्याशी बदलते हैं और आप देखते रहिए ये प्रत्याशी जीतेगा। अगर पुश्तैनी नहीं है तो हरीश चंद्र श्रीवास्तव, ज्योत्सना श्रीवास्तव, फिर उनके बेटे सौरभ श्रीवास्तव को कैंट में क्यों दिया? नहीं, वो आरएसएस के इसलिए उनको दे रहे हैं सीट। अगर पुश्तैनी नहीं है तो तीसरी पीढ़ी को सीट क्यों दी गई? आप क्यों परेशान हो रहे? हमारी सीट निकल रही है, आप देखते रहिए। ये बनारस शहर की 3 सीटें हारेंगे और 11 मार्च के बाद मोदी जी बनारस को गुड बाय करने वाले हैं, आप देख लीजिए। अच्छा एक चीज बताएं सर, यहाँ जैसे ये तो अच्छी लोकतांत्रिक बात है कि आप बहुसंख्यक भाजपा समर्थक इस गली में फिलहाल मौजूद हैं और आप कोने में बैठ के नरेंद्र मोदी, आपको ताजुब होगा कि जिस मोहल्ले में आपको सबसे ज्यादा भाजपाई नजर आ रहे हैं उस मोहल्ले का सभासद कांग्रेस का है। आपको ये ताजुब होगा। नहीं, ये बहुत से बाहर के भी होंगे, मेरा सवाल ये था कि आप यहाँ हो सकता है 2-4 लोग और भी इधर उधर बैठे होंगे जो नरेंद्र मोदी से असहमति रखते होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस समय अल्पसंख्यक हैं यहाँ किसी बनारस में किसी किस्म का लोकतांत्रिक। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, हमारे लोग राहुल गांधी और अखिलेश का रोड शो हो रहा है वो वहाँ है, वहाँ गए। अच्छा, वो यहाँ क्यों रहेंगे? ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ आपको नरेंद्र मोदी के बारे में खुलकर आलोचना करते हुए किसी किस्म का असहज तो नहीं महसूस करते हैं? नहीं करते हैं ना? असहज क्यों होंगे? ये जब तक विरोध नहीं करेंगे तब तक मुझे समर्थन नहीं मिलेगा, अगर कोई विरोध वाला रहेगा तो मुझे समर्थन मिलेगा। ये तो अच्छी बात, सारे लोग समर्थन करेंगे। विरोधियों को गले लगाना चाहिए, विरोधियों को हम लोग गले लगाए, बगल में बैठाए, सारा कुछ कर रहे हैं। यहाँ की एक स्वस्थ परंपरा है कि यहाँ सारे दलों के लोग बैठते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, गर्मा गर्म बहस होती है, गर्मा गर्म बहस होती है, लेकिन लोग गले मिलते हुए बाहर निकलते हैं। ये हमारी स्वस्थ परंपरा है और इसको बिगाड़ना चाहते हैं अगर लोग तो मेहमानों को हम लोग सम्मान देते हैं, उनको यहाँ बसाते नहीं। ये 9 बजे चले जाते हैं, मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उनका इंतजार करें, उनका समर्थन करेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, फिर ये जाएंगे। उनका माल्यार्पण करेंगे नहीं, अपने मेहमान का स्वागत मैं कर सकता हूँ। देखिए ये मान रहे हैं, हर चीज मानने को तैयार है, क्योंकि मेरे गुजरात से आकर हमारे यहाँ मेहमान है इसलिए उनका सम्मान। ये उसमें भी एक राजनीतिक तंज है, गुजरात से आकर के हमारे यहाँ मेहमान आए हैं तो मेहमान का स्वागत मैं कर दूंगा, अतिथि देवो भवा। उधर क्या है कि बीच बीच में गलियों में हर हर मोदी और हर हर महादेव के नारे साथ साथ गूंज उठते हैं, कहीं से भी अचानक से 20 मोटरसाइकिलों का रैला निकल जाता है कटआउट्स मोदी के पहने हुए और वो लोग नारेबाजी करते हुए निकल जाते हैं। इसी में कभी कभी कोई सपा की टोपी पहने हुए निकलता है मोटर बाइक पर तो वो अतिरिक्त मुस्कुराते हुए जाता है, कोई साइकिल पर बसपा का झंडा लगाए हुए निकलता है तो वो भी थोड़ा अतिरिक्त मुस्कुराते हुए जाता है, उसको भी लोग ज़्यादा मुस्कुराते हुए देखते हैं। तो ये इस रैली इस गली का माहौल है, थोड़ा आपको आगे भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या साज सज्जा सजावट की गई है। तो एक तरीके से ट्रैफिक के लिए तो बंद ही है ये गली, सिर्फ पैदल लोग हैं और चारों तरफ लोग भाजपा समर्थक, बाहर से आए हुए स्थानीय भाजपा समर्थक मौजूद हैं, जो यहाँ बेचने वाले हैं उनको भी भाजपा के झंडे और वगैरह वगैरह दे दिया गया है, फूल बांटे गए हैं। आगे देखिए महिलाएँ फूल लेकर खड़ी हैं, आगे देखिए महिलाएं फूल लेकर खड़ी हैं और कैमरा देख करके तो लोग और भी नारा लगाते हैं, इधर आ जाओ, देखिए कैमरा देख के नारेबाजी तेज हो गई। ये
काकी पीछे फूल बेच रही है और काकी से बात करते हैं। काकी आप तो रोज ही फूल बेचती हैं कि आज ही बेच रही हैं? रोज बेचती हैं। आज ज्यादा बिका है क्या? आपके यहाँ से कोई खरीदा है ये बाहर से लाए? ले लो जा सब वाले बात तब न बिकाई। हम क्यों लेंगे? ये लोग लिए होंगे ना है? ये लोग लिए होंगे जो आप नरेंद्र मोदी को जानती हैं? हाँ, मोदी की जनता भाई। हाँ, अच्छे नेता हैं। अरे कोई बात नहीं, छाता चाहिए मोदी वाला ले ला, छाता बोला नरेंद्र मोदी वाला ले लेना चाहता, वो भी छपा है। इनको माला पहना है? जबरदस्ती क्यों पहना है? कुछ तो लीजिए, पहनाने का मन है कि नहीं? अरे एकदम पहले क्या है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। क्या कह रहे हैं सर? एक एक करके बात करेंगे तभी आवाज सुनाई देगी। क्या कह रहे हैं? स्वागत करेंगे, उन्हीं का दिया हुआ है। स्वागत करेंगे मालों से, वोट से भी स्वागत करेंगे, यही रहते हैं, स्वागत करेंगे। बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है जो देश की दशा और दिशा दोनों को सुधार रहा है। हम मोदी की जय जयकार करते हैं। विधानसभा चुनावों में जैसे आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट डालने का मन बना रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में बहुमत, विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पास अच्छा बड़ा चेहरा या उनके स्तर का या उनसे थोड़ा कम स्तर का कोई नेता आप लोग समझते हैं? जो भी होगा अभी है, अभी है। जो होगा महाराष्ट्र में फरवरी पहले थे, सामने आ गए ना। झारखंड में रामचंद्र दास आए, बाद में आए रघुवर, रघुवर दास, सब लोग अब बाद में है, कोई खराब है? विधानसभा में अच्छा है, विधानसभा से एक अच्छे अच्छे मोदी जिसको तय करेंगे वो अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसको आशीर्वाद देता है कि जीतेंगे एकदम सफा। आप आशीर्वाद दे रहे हैं? एकदम। गंगा नाम है मेरा। गंगा नाम है आपका, तो गंगा जी का आशीर्वाद है। गंगा का आशीर्वाद तो ही है। राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए विधानसभा यूपी विधानसभा में भी जीतना बहुत जरूरी है और तभी वो देश का उद्धार कर सकेंगे। तमाम फैक्टर्स हैं, तमाम इधर तो बहुत लोग हैं, दीवानों की भीड़ है, महिलाओं से भी बात करते हैं आराम से। आप लोगों से बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। यहीं रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं? पास ही के मोहल्ले में रहती हैं। आप लोग नरेंद्र मोदी, अच्छा तुम लोग भी, बच्चा लोग भी फूल लेके आए हो? क्यों? मोदी का स्वागत करने। नरेंद्र मोदी आपको क्यों पसंद है? काम अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा कोई नेता नहीं आया था। कैसे, वही मैं समझना चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्यों लगता है? बोलने वाले ताकतवर नेता है, बोलने वाले भी हैं। इन लोगों को बोलने दीजिए, महिलाओं को, है ना? आप लोगों से तो बात करके आया हूँ, महिलाओं से कोई नहीं पूछता है। तो आप लोगों को कहा है किसी ने कि यहाँ खड़े हो जाओ? सच बताइए, मोदी जी के फैन? बहुत बड़े। किस वजह से फैन? बहुत, उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो कुछ करेंगे बनारस में, जो किसी ने की उम्मीदें हैं पिछले 3 साल में। कुछ उम्मीदें आगे बढ़ी, उम्मीदें बढ़ गई, उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे काला धन रोकना, ये सब उन्होंने किया, नोटबंदी वगैरह से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। और हैं, तुम भी, तुम क्या कहोगे? हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। तुम भी फैन हो? तुमको किसने बताया कि मोदी अच्छा आदमी है? किसी ने तो बताया होगा, बड़े लोगों ने बताया है। अच्छा ठीक, तो आप लोग सब यहीं पास के मोहल्ले में रहते हैं? पटना से आए हैं? जमशेदपुर से। सिर्फ मोदी जी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता? आप मुझे लगता है किसी बीजेपी पदाधिकारी के परिवार से होंगे? आपके पिताजी बीजेपी में होंगे ना, तभी आए? हम लोग बीजेपी समर्थक हैं। और पटना और रांची से आए हैं आप लोग? हम लोग मेंबर। इतने अच्छे तरीके से मिलने का मौका सिर्फ बनारस में ही मिलता है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और कहीं नहीं इतने अच्छे तरीके से मिल पाते हैं। एक चीज बताइए, इतना दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ भी तो पर्याप्त समर्थक है, बाहर से क्यों बुलाना पड़ रहा है? ये लोग यहाँ खड़े हैं कि मोदी जी का स्वागत करने के लिए,
ये सभी लोग हाँ। ये सभी महिलाएं है, ये देश की भावना है, देश की भावना हाँ। सभी महिलाओं को मैंने कहा टोपी कितनी छपवाई है ये बताइए, उससे मुझे अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोग आए हैं। हमने बहुत छपवाया टोपी, बहुत छपवाया टोपी, पूरा पूरा टोपी को पूरे शहर से फाड़ दिया हमने, पूरे टोपी शहर में फाड़ दिया। हम लोग अपना कैमरा लेके नीचे उतरे, हमसे भी किसी ने ऑफर किया कि टोपी पहन ली। बिल्कुल मैं करूंगा आपको स्वागत। मैं क्यों पहनूंगा? मैं नहीं पहन सकता ना, मैं तो सर पत्रकार हूँ। मैं आपको भावना को देख करके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ की भावना यही है मोदी मोदी। नहीं नहीं, तो मैं इससे कामगार लोग जो है, जो दुकानदार हैं, छोटे मोटी चीजें बेचने वाले हैं, उन लोगों को भी टोपी पहना दी गई है जी। नहीं टोपी पहना नहीं गई आपको, आपको मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। एक जनरल स्टोर है, उसमें महिला है, वो खुद आई है, टोपी मांगी है, दुपट्टा मांगी है और पहन के बैठी हुई है अपने से। आपने खुद मांगा? मैं जमशेदपुर से आया हूँ, 74 वर्ष का उम्र है, लेकिन मैं खुद उतर के आया हूँ कि नहीं। मैं इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वही यहाँ से शुरू हो जाती है। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को टोपी पहना की जरूरत नहीं होती है, कार्यकर्ता खुद स्वेच्छा से पहनता है, अपने आप पहन लेता है, अपने आप पहन लेता है। टोपी पहनने के दो अर्थ होते हैं। नहीं, टोपी पहनाने का अर्थ है कि जबरदस्ती पहनाना। भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा खुद स्वेच्छा से, लेकिन खर्चा काफी किया, खर्चा काफी कटआउट वगैरह देखिए बढ़िया। सुनकर मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं बंद करके अपना सब्जी बेचते हैं यहाँ पर मौलवी साहब के नीचे। आपका काम का भी थोड़ा नुकसान हो रहा है? काम कोई नुकसान नहीं है, हम लोग को केवल मोदी ही चाहिए, मोदी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। ये महिलाएं सुबह से खड़ी थी, मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अपने घर जाइए, जब मोदी जी आएंगे तो मैं बता दूंगा, अपने लोगों से बोल दूंगा, आ जाएंगे आप लोग। मैं जब हटा तो ये फिर दोबारा आ गई यहाँ पे और ये खड़े हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने के लिए, मोदी जी को पसंद करने का एकमात्र कारण है आजादी के बाद से एक ईमानदार हम लोग को प्रधानमंत्री पूरे देश में, हम लोग के सोच से परे लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर कोई ईमानदार प्रधानमंत्री, अटल जी भी इसलिए अटल जी भूल गए हैं, इसलिए भैया भूले नहीं हैं, ज्यादातर लोग अटल जी को भूल गए हैं, किसी को नहीं भूला है, किसी को बनारस का नारा है जो क्षेपक की तरह इस्तेमाल होता है, लोग कॉमा लगाते हैं अपने वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यहाँ कॉमा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हर हर महादेव होता है। हम अपने चक्रवर्ती सम्राट योगी प्रधानमंत्री जी को संबोधित करेंगे। गाना मैं बता दूंगा किस पे आएगा। अरे किसी पर भी आएगा तो आएगा। हाँ, हम लोग गाना गाएंगे, हम लोग मोदी जी को मनाएंगे, मोदी जी का हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी है, हर हर मोदी है, हर हर मोदी है, ठीक है। हम लोग महादेव की जगह। अच्छा, बनारस नगर, आप तो बाहर से हैं ना सर? हम बनारस से, आप बनारस से? क्या इस बार के बहुत सारे ऐसा भी समीकरण, बहुत सारे राजनीतिक विरोधी बल्कि कह लीजिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने बहुत काम कराया है, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, गाड़ी आ रही है, मोदी ने बहुत काम कराया है, तो इस बार इतनी बड़ी मशीनरी विधानसभा चुनावों के लिए यहाँ क्यों लगानी पड़ रही है? नहीं, मशीन जाते काम तो अच्छा ही नहीं। मशीनरीज का अर्थ आप किस चीजों से ले रहे हैं? जैसे मतलब कि इतना बड़े स्तर पर कार्यकर्ता जनाब बाहर से भी आए हैं लोग? नहीं, बाहर से किसी को बुलाया नहीं गया है, आए हैं वाराणसी और छोटे नन्हे बड़े और जैसे खर्चा दिखता है, थोड़ा भव्य सा दिखता है, तो ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि खर्चा क्या रहा है, प्रयास क्या रहा है, कहीं कुछ मामला फंसा है। मेरा ये कहना है, खर्चे और इस तरीके से प्रयास हमेशा से किए जाते थे। वाराणसी एक ऐसी सीट है, वाराणसी में शहर में हम लोग की गवर्नमेंट कहीं भी कहीं रही हो, बीजेपी की रही हो, स्टेट में रही हो ना रही हो, लेकिन वाराणसी की तीनों सीटों पे हमारे एमएलए रहे हैं वाराणसी महानगर में। तो हमारी जो सीटें हैं उसके लिए हमको बाहरी लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज की डेट में नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे नेता हैं दूसरे दलों, मतलब हमारे जो दूसरे क्षेत्र के नेता हैं, वो
चूंकि अपने क्षेत्र में उनके चुनाव खत्म हो गए हैं, वो हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे समर्थन जिनके के लिए चरण का जिनका जी, जी, अपना चुनाव निपट गया है बुंदेलखंड के कारण बिल्कुल आए हुए। श्याम दादा को टिकट नहीं दिया तो उसका नुकसान हो रहा है? नहीं बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है। दादा हमारे हमारे पूजनीय है, दादा हमारे पूजनीय है, हमारे अग्रज है, मार्गदर्शक है, निदेशक मंडल में डाल देते हैं आप सब। नहीं 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 उस चीज को आप हमारे पूजनीय है, हमारे पूजनीय है, मार्गदर्शक भी है। और हमारे हमारे इस समय मोदी जी ने तीनों विधानसभा सीटों पे एक तीनों युवा प्रत्याशियों को खड़ा किया है, जो जिन युवाओं की बात देश कर रहा है, जिन युवाओं की बात विदेश कर रहा है, जिन युवाओं की बात प्रदेश कर रहा है। प्रदेश सरकार, मुझे पता है आप सब लोग प्रदेश सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन ऐसे बताएं कि बिजली उजली पिछले 5 सालों में कुछ तो ठीक हुई है? 5 सालों में बिजली ने नहीं ठीक हुई है, जब ये 2.5 साल से जब से मोदी जी है तब से बिजली ठीक हुई है, थोड़ी बिजली ठीक हुई है, इसके पहले बिजली उजली नहीं थी। हम लोग किसान के घर के हैं। सुनिए भाई साहब जी, जब मोदी जी यहाँ से जीतते हैं, जीतने के बाद झल्लाहट निकाली जाती है हम जैसे इस शहर के वासियों के ऊपर, 20-20 घंटे बिजली काटी जाती है इस प्रदेश की, इस शहर की, उसके बाद चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद यहाँ पे सपा ने अपने 4 लाख कार्यकर्ता बनाए थे जो ऑन पेपर उनके थे, उन्होंने यहाँ पे जो 10-12 उनके मंत्री थे सबको बर्खास्त कर दिया और हम लोगों से बदला लिया गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के होने की वजह से हम लोगों की बिजली सुचारू रूप से मिलनी शुरू हुई। माँ गंगा पे नोसी, ठीक है, उरेला आ गया है, इधर से आ जाओ। छोटे छोटे समर्थकों के ऐसे जत्थे गुजर रहे हैं, गुजरते रहेंगे। सुबह हम 9 बजे यहाँ आ गए। 9 बजे यहाँ आ गए थे। कहाँ से हैं आप? सरायनंदन, यहीं के बनारस के। बनारस यहाँ पे बारी नहीं था, हम लोग यहीं के। कुछ कुछ कार्यकर्ता बाहर से भी आए, मोदी जी को देखने के लिए जो आए हैं वो भी अपने सपोर्टर्स से भी बाहरी कोई नहीं है। सर भाजपा समर्थक की बात कर रहा हूँ, भाजपा समर्थक हम लोग। कौन दिया छोटू तुमको ये? हम लेकर आए। कहाँ से? कहाँ से? कहाँ बट रहा है? कहाँ बट रहा है? बटने रहा है, हम माए यहाँ से लिए। कहीं तो बांटा जा रहा होगा ना भाजपा? यहाँ टंगा तली। अच्छा यहाँ टंगा, किसी घर पे तो छपेगा नहीं, कहीं ना कहीं से तो। वही मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से? शिवाला में मिल रहा है, पार्टी वाले शिवाला में बांट रहे हैं। ये तो बढ़िया भाजपा में कर दिया पूरा झंडा और गुब्बारा लगा करके। चुनाव में भाजपा में होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन बताया आपको? हम बता रहे हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। किसी जब वो काशी आए हैं ना, तब तब जो काम किए हैं, अब पूर्व बहुमत से आए थे, अब पूर्व बहुमत सीधा पाई। जब जब काशी आए हैं तब तक जीत जाते हैं। काशी आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या 2012 में सरकार सपा की थी, क्या यहाँ से भाजपा नहीं जीती तो भी जीती थी? इस समय तो मोदी की लहर एकदम पूरी की पूरी यूपी में, पूरा हम लोग बहुमत से आ रहे हैं, पूरा पूरे यूपी में बहुमत से। ठीक है गुजर जाइए आप, क्योंकि इस बार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से जनता एकदम परेशान है, यूपी की एकदम परेशान है। बनारस से पीएम दिए, सीएम भी देंगे बनारस। पीएम भी दिया है, सीएम भी देंगे। सीएम कौन होगा? मोदी होंगे। तो जो होगा वो तो हमारा। बनारस से होगा सीएम तो कौन होगा? बनारस वाले वोट देंगे तभी सीएम बनेंगे। अच्छा ठीक है, उस आधार पे कह रहे हैं। नहीं नहीं कोई बहुत जो लोग कोने में बैठे हैं उनमें से कुछ हैं जिन्होंने टोपियां नहीं पहनी हैं, ज़्यादातर लोग टोपी पहन के ही बैठे हैं। वो दूसरी एक वजह ये भी है कि जैसे एक सज्जन तो आगे मिल गए, कांग्रेस सपा कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी भी होंगे पता नहीं, पर आज ही यहाँ पर राहुल और अखिलेश का भी साझा कार्यक्रम है और बनारस के आउटस्कर्ट्स में मायावती का भी कार्यक्रम है, तो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता समर्थक वहाँ भी जी। आप लोगों ने सर टोपियाँ नहीं पहनी हैं? दूसरे पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं? ये देखने आए कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। नहीं देखे कोई बाहरी भीड़ कितना छपा हुआ है। पार्टी से होना कोई बुरी बात नहीं है, अपना हक सबको रखना है, अपना अपना सबको हक रखने का अधिकार है।
ये जो है भाजपा समर्थक है तब भी आपने नहीं पहनी है। ये भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, ये भी सब आ जाएंगे समाजवादी अंदर खाने, ये सब समाजवादी पार्टी, ये बागी है क्या? खाली मोदी जी के पैसे देकर सब लोग टोपी और वो पहने हुए हैं और कोई नहीं, सभी समाजवादी पार्टी का। ये मेरे सक्रिय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के है, बहुत सक्रिय। इनको पैसा मोदी जी ने दिया है 500 रूपए और उसका ये टोपी और ये पैसा लेके चलेंगे, पैसा बोले भी देंगे, पैसा वो बांटते हैं, पैसा वो बांटते हैं जिनको डर लगता है। हम लोग तो देशभक्त हैं, हम लोग तो इन्होंने पैसा लूट के, जनता का पूरा पैसा लूट के काला धन लगा के ये रोड शो में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो है जनता का पूरा काला धन ये जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इस रोड शो में, जिसमें कम से कम 5,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने इसमें खर्चा किया है। ये जनता का दुख और दर्द का 11 तारीख को जनता इनको भरपूर जवाब देगी। आप लोग देखिएगा, देखिए 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, जनता इनको देखेगी जवाब। 50 सीट पाना इन लोग के लिए मुश्किल है, 50 सीट पाना इन लोग के लिए मुश्किल है, 50 सीट। अच्छा एक और दूसरे सपा कांग्रेस समर्थक बैठे, उनसे मैं आकलन लेता हूँ कितना सीट भाजपा का आ रहा है। मैं सपा और कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, मैं अध्यापक हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाते। अच्छा, मैं ओरिजिनल बात आपको बता रहा हूँ, भीड़ पे मत जाइए। हमने 1990 में राजीव गांधी की वो सभाएं भी देखी थी जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग आते थे, लेकिन परिणाम क्या रहा? ये भीड़ प्रधानमंत्री को देखने आई है, न कि भाजपा को वोट देने आई है, देखने आई है वोट देने। दूसरी चीज कि बनारस शहर का अपना एक अलग मिजाज है, बनारस शहर का एक अपना अलग मिजाज है। बनारस शहर के आंकड़े अगर देखिए तो तीनों सीटों पर भाजपा हारेगी, आपको आज बता रहा हूँ, आप रिजल्ट आएगा देख लीजिए। बनारस नगर की तीनों सीटों पे भाजपा, तीनों सीटों पर हारे। 80 पे आकलन बहुत सही होता है, 80 पे आकलन जो होती है ना ये बहुत सही होता है। सही बताया इन्होंने, बिल्कुल सही बताया। ये कोई जोशी नहीं है कि ये तीनों सीट हरवा देंगे, जोशी नहीं है ये तीनों सीट हम लोग निकाल रहे हैं, अच्छे से निकाल रहे हैं। लाखों वोट से ये लोग हार रहे हैं, लाखों से हारेंगे। ये 80 पे ज्योति से ज्यादा पान की चाय की दुकान पे जो है ना लोग बैठते हैं और सही तरीके से। हाँ, यहाँ पे आकलन ज्योति ना ये चरित्र देख करके, यहाँ पे जो आकलन होता है ये जो आस पास में चरित्र होते हैं इनके, ये सारी चीजों को देख करके होता है। तो 80 का आकलन जो होता है वो आपको सही बता रहा है। ठीक है, तो 80 में किसका आकलन माने? सब तो अलग अलग आकलन। यहाँ से जो है प्रधानमंत्री को भीड़ देखने के लिए आई है, वैसे यहाँ पे राजनेताओं से ज्यादा मतलब नहीं रहता लोगों को, है ना। यहाँ पे जो है भीड़ उत्सव हो जाता है तो मना लेते हैं। बस प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं, हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री अच्छा काम करते हैं, बस है उसको देखने के लिए पब्लिक आई है, प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ है। ये ऐसा नहीं कि ये भाजपा का वोट, ये सब वोटर नहीं है, सारे वोटर है, सारे वोटर ये कर रहे हैं। गुजरात से लोग आए लेकिन कोई गुजरात से नहीं आया हुआ, सारे लोग लोकल हैं। हम लोग आईडी कहेंगे दिखा देंगे, सारे लोग आईडी निकाल के। गुजरात नंबर की गाड़ियां पिछले 14 दिनों से बनारस शहर में घूम रही हैं। गुजरात के 10 सांसद, 20 कैबिनेट मिनिस्टर मोदी के प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में बैठ के एक एक चुनाव एक एक सीट पर पैसा बांटने से लेकर सब कुछ कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनके प्रकरण प्रतिष्ठा बचा ली जाए, लेकिन बचने वाली नहीं। पर्यटक प्रदेश के स्तर पे नहीं। मेरा मोह हो रहा है कि आपसे पूछ लूं क्या समीकरण। अंग विधानसभा 100% अंग विधानसभा, ये पर्यटक स्थल है, अंग विधानसभा सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी इस छठवें और सातवें चरण में फाइनल होगा कि सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी। दो लोग कह रहे हैं भाजपा और बसपा में ही मुकाबला है लास्ट आखिरी चरणों में, आखिरी चरण बसपा कहीं मुकाबले में नहीं, बसपा नहीं है, नहीं बसपा हर जिले में 1-2 सीटों पर मुकाबले में है। पूर्वांचल में सीधी लड़ाई सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा में है। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बसपा से है वोट, बाकी वोट भ्रमित हो ऐसा कह रहे हैं। एक उनका एक फेसबुक पेज भी है उत्तर देगा उत्तर प्रदेश, उसमें एक बूस्ट करा के उन्होंने एक ओपिनियन पोल चला दिया है कि, जबकि हर जिले में मुश्किल से जैसे बनारस में ही 2 सीटों पर बसपा लड़ रही है, एक उत्तरी में और एक अजगरा में, 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर बसपा लड़ रही है, और सारी सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा की लड़ाई है। ऐसे ही पूरे पूर्वांचल में लड़ाई पूर्वांचल के सारे सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा में।
ये तो सर, ये जो पप्पू की चाय की दुकान पे जो महफिल जमती है, ये तो जब ये दरवाजा बंद हो जाता है नेत्र ज्योति उसका, वहाँ पे बेंच लग के तभी होती है ना शाम को? नहीं, दिन भर होता है। दिन भर होता है, सुबह अंदर दुकान के अंदर होती है और शाम को अंदर और बाहर दोनों। और यहाँ आने वाला हर आदमी, अध्यापक, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, अच्छे से इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आते हैं। अभी चले जाए, मिल जाएंगे। अभी तो सारे लोग भाजपा में है, सब लोग भाजपा में है। ऐसा नहीं है, अभी लोग बाहर हैं, कुछ जो कांग्रेस सपा वाले हैं वो उधर हैं। हाँ, मतलब इस समय भाजपा वाले लोग ज्यादा हैं वहाँ। इस समय तो आपको भाजपा के ही लोग मिले, जब कार्यक्रम उनका है तो उन्हीं के लोग। टी शर्ट तो पहने हुए हैं आप कार्यकर्ता? नहीं, टी शर्ट आप दे दीजिए, आपका भी पहन लेंगे। हमारा भी पहन लेंगे, हमारा लल्लन टॉप का टी शर्ट। लल्लन टॉप दे दीजिए, लल्लन टॉप पहन लेंगे गुरुदेव। बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार है, उत्सव का आनंद ले रहे हैं, उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अब अधिकार कौन, एजेंडा क्या रहेगा, व्यवस्था क्या देंगे, इसके बाद इन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था दिया, खुश हैं, आगे भी वोट देंगे, खुश करेंगे इनको। देख रहे हैं ना, आप बनारस आए, घूम लिए ना, क्या व्यवस्था मिला है आप देख रहे हैं। पांच साल इनको और क्यों दिया जाए ये भी देख लीजिए, ये भी देख लें। तीन साल में मोदी जी ने क्या दिया, क्या पहन के आके इनका, इनका मोदी जी ने क्या दिया, कबीर नगर घूम के आइए, क्या दिया यहाँ पे, केबिल अंदर हो रहा है ये देख लीजिए, अस्सी घाट देख लीजिए, और इन्होंने हमको क्या दिया ये देख लीजिए। ये खुद सामने चापा कल लगा हुआ है, उसका पानी पी लीजिए, आपको बीमारी हो जाएगा, लीवर कैंसर हो जाएगा, लीवर कैंसर तुरंत हो जाएगा। आप पानी पीजिए ना, वो आदमी को गाय भैंस नहीं पी सकती। अरे गाय भैंस नहीं पी सकती पानी। अरे क्योटो 60 दिन में क्योटो देने वाले मोदी जी थे। आप सुनिए, आप नेत्र होता है वो एक स्वर्ग बन जाता है। आप घूम रहे हैं, आप घूम रहे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको गाय भैंस सड़क पे घूम रही है, कहीं देखा है अपने रोड पे गाय भैंस? तो बनारस की संस्कृति है। संस्कृति नहीं है, इसको गलत संस्कृति बना लिए हैं। साड़ है ना। नहीं सुनिए, जो लोग राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं, पिछले 26 सालों से सारे एमएलए शहर के भाजपा के, मेयर भाजपा का, एमपी भाजपा का, इन्होंने क्यों नहीं विधानसभा में हल्ला किया कि बनारस का विकास हो, बनारस का विकास हो, इन्होंने क्यों नहीं हल्ला किया विधानसभा? प्रधानमंत्री प्रदेश यहाँ का सांसद है, वो बनारस की ये दशा है, तो आओ बात ये छोड़िए, नहीं बना है एकदम बनारस की दशा खराब। प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने का, आप देखिए चाहते कि अपने क्षेत्र का विकास करना है तो नहीं होगा, कोई राज्य सरकार रोक लेगी? दादाजी से तो खूब बात हुई है। काशी को क्योटो बनाने के लिए हमें अपनी मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। हम सफाई करेंगे तब क्योटो बनेगा, खाली मोदी जी डायरेक्शन देते हैं। आज हम लोगों ने पानी यहाँ पिया है, उसका रैपर जो है गिरा दिया है, हमें उठा करके उसको अलग डस्टबिन में गिराना चाहिए था। क्योटो बनाने के लिए हमें अपने को साफ करना होगा, तब बुलेट ट्रेन कहाँ गई? बुलेट ट्रेन आपकी मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो में सफर कराइए, जाइए लखनऊ में मेट्रो स्टार्ट कर गई है। मेट्रो का सफर मैंने किया, 10 रुपए में आनंद लिया मेट्रो का, बस खाली हवा में मुंह से बोलते हैं, काम नहीं बोलता मुंह से बोलते हैं। मेट्रो तैयार है लखनऊ में, मुंह बोलते हैं कितने जल्दी क्षेत्रीय और फिर प्रादेशिक और फिर राष्ट्रीय हो जाते हैं, है ना? काम बोलता है, इनको समझ में आ जाएगा, मुंह बोल रहा है ना, बोल रहा है। 11 तारीख को आप यहीं पे फिर आइएगा, देखिएगा कि काम क्या बोलता है। काम बोल तो रहा है, मोदी जी का अब यहाँ से रुदिया डूबने वाला है, और अब ये उत्तर प्रदेश मोदी जी का कैसे लटकिया डूबेगा? वो तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री 2.5 साल और रहे, लुटिया डूबेगा नहीं डूबेगा, अखिलेश का डूबेगा? डूबेगा तो पार्टी का डूबेगा, मोदी जी का तो नहीं। अभी तो मोदी 2.5 साल है ही है ना। अब वो जैसे बिहार को भूल गए, अभी बिहार गए तो मैं बिहार का हूँ, अब उत्तर प्रदेश को भी वो भूलने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री पूरे राज्य का होता है, इनको कौन समझाए? कुछ नहीं, सब राज्यों को भूल जाए, जहाँ जहाँ वैसे ही सपा वाले कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको इतनी मंद बुद्धि के होते हैं, वो हारते जाएंगे, उनको भूलते जाएंगे, उनको उनको गा, उनको गा, उनको गाय और भैंस से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो राजनीति में जाए। बचपन से किताबें जो पढ़े हैं और वो अधकचरा ज्ञान है, और कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई है और भाई रहेंगे, बाकी सब चीज भाई का ज्ञान। अभी यहाँ से एक पार्टी चाहिए, यहाँ से ये पटका उठा उतार के जब कार्यक्रम हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, जब पटका उठका उतार के जाओगे तो साथ में पान खा के जाएंगे। ये मेरे भाई है, हमेशा पान खाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे। हम लोगों ने क्या कहा, जीतेंगे हारेंगे नगाड़ा बजाएंगे होली मनाएंगे। ठीक,
चाहे जीते चाहे हारे नगाड़ा बजाएंगे, होली मनाएंगे, बना रहे बनारस, ठीक भाई है भाई रहेंगे, आगे भी रहेंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस रैली से गुजरेंगे, लेकिन उससे पहले वो पैदल आ गए हैं, जीप से बाद में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये डुप्लीकेट हैं उनके, और हम शक्लों की भी अपनी एक उनका एक चार्म होता है, तो ये भी गुजर रहे हैं तो वैसा ही फूल इनके ऊपर भी फेंका जा रहा है और वैसा ही स्वागत इनका भी हो रहा है। इनका परिचय भी आपसे करवाते हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम रणवीर दहिया है, हम दिल्ली से, दिल्ली से आए हैं। और आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है और हम इकट्ठे दिल्ली से आए हैं। आप दोनों लोग दिल्ली से ही आए हैं इसी बनारस के शो के लिए, है इसी वाले के लिए? और आप लोग भाजपा में क्या पार्टी में भी शामिल हैं, सक्रिय हैं कि? हाँ, केशवपुर जो हमारा जिला है, हम उसमें संगठन मंत्री हैं। आप संगठन मंत्री हैं? अच्छा, और आप भी सर? मैं तो उनके साथ ही हूँ, मेरे गुरु हैं। अच्छा, ये आपके गुरु हैं, तो ये असली में भी वैसे भी गुरु हैं और यहाँ भी गुरु हैं? हाँ, मोदी और अमित शाह तो गुरु चेला गुरु चेला ही है, और ये जो दूसरी वाली जोड़ी है ये भी गुरु चेला ही है। आप यहाँ सर बनारस में लोकल भाजपा? शिव ज्योति मुखर्जी, भाजपा कार्यकर्ता वाराणसी, यहाँ के वाराणसी का। तो यहाँ पर इनको ले आते हुए एक बार रिहर्सल चल रही है, यहाँ रिहर्सल चल रहा है, ठीक है। त्रिपुंड वगैरह लगाए हैं, त्रिपुंड वो भी लगाए होंगे, पीछे जा रहे हैं, तो अभी हम देंगे त्रिपुंड के लिए ना, ये काशी का गौरव है, काशी का गौरव है। अच्छा, तो यहाँ जहाँ जहाँ मोदी की आगे रैली होगी, आप इससे पहले कभी गए हैं, पहली बार आए हैं? नहीं, हम मैं पंजाब में घूम के आए, पंजाब में घूम के आए, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, बिजनौर, मेरठ में, गाजियाबाद में। एक बार खास बात है, जहाँ हम जाते वहीं पर बीजेपी की जीत होती है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ बीजेपी। हरियाणा गए थे, हरियाणा जीत लिया, में भी आए थे, हम 14 में आए थे में भी आए थे मोदी जी के, 2014 में भी आए थे। तो आप लोग भी स्टार प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक। एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम रणवीर दहिया, रणवीर दहिया जी, और आप? नाम राजेंद्र अग्रवाल। दोनों लोग दिल्ली से आए, दिल्ली से आए। तो यहाँ जैसे बनारस में लोगों से बात भी कर रहे हैं कि सिर्फ घूम ही रहे हैं? नहीं, बात करते हैं, कोई दिक्कत हो कोई बात, उसका समाधान भी उनसे आपस में बैठ के करवाने कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई बात ऐसा आ जाए। आप लोगों को इसमें कौन लाया कि ये प्रचार में आप लोग आइए, आप लोग दिखते हैं नरेंद्र? हम न आए हैं न किसी ने बुलाए हैं, गंगा माई के दर्शन करने हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने में। नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे, पीछे आ चुके हैं, 80 के घाट पर ही हैं, थोड़ा जाम वाम लगा है, तो तब तक उससे पहले ये रिहर्सल चल रही है। ये लोग यहाँ मिल गए तो इनसे सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई है, थोड़ी देर में सबसे बात करेंगे, है ना, अभी करेंगे। तो ये है, इनको भी देखिए, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा फूल वूल कुछ बोल सकते हैं, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आइडिया पॉलिटिशियन कुछ नहीं जान रहे हैं, इनको पद मिला है 29 को राज्य में, कुछ नहीं कर रहे हैं, नया नोट दे दिए हैं, बाकी राज्य में कुछ नहीं संशोधन प्रस्ताव कर रहे हैं कि कहाँ गया है कहाँ नहीं, क्यों ना राज्य में, ठीक नो? क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहा चाहते हैं कि विकास के काम हो कोने हर राज्य में, और ये सही चलाएं और सही ढंग से रहें और समझें। कानपुर से इधर उधर भी रेलवे में दुर्घटना हुआ है, कुछ नहीं जान रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी लड़ रहे हैं, सऊदी अरब अमेरिका में भी, और पाकिस्तान के लोग लखुआ 10 को है, बाकी टोटल सही है। कहाँ के रहने? पाकिस्तान, हम बिहार के रहने, बिहार के रहने वाले जी। यहाँ किस लिए आए हैं? हम घूमने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए जी, भ्रमण करने के लिए आए, भ्रमण करने आए थे। तो आपको पता चला यहाँ मोदी की रैली है, तो यहीं पर थे आप जी? यहीं पर थे कि मोदी को देखने आ गए हैं? नाम हम आए हैं विश्वनाथ मंदिर के, और दो आदमी वो भर में भुला गया। अच्छा, ठीक है, मोदी जी को थोड़ा पूरे सारे देश का ध्यान रखना चाहिए, और जी, और अटल बिहारी वाजपेयी के तरह इनको बुरी तरह से हार होगा। बरकरार बयान देते हैं, आप भी बयान देते हैं, मैं वहाँ का महंत हूँ, गंगा आरती कराते हैं। अच्छा, हरिचंद्र घाट के आप जो गंगा जाएगा नू, हरिचंद्र घाट छपा जाएगा नू, छप जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी नए युवाओं को रोजगार देंगे आने वाले भारत वर्ष में, हमारा है ये जो स्टाइल है, सुंदर बनेगा से आया है। प्रधानमंत्री का भी ऐसा बहुत सारा फोटो है, दोनों उंगली लगा के, इसलिए हाईटेक सिटी बनेगा, हर युवाओं को नौकरी मिलेगा। अब मोदी आप लोग के आने से बनारस की जनता खुश है, ठीक है, खुश तो है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के बोलने का जो अंदाज है, भाषण का अंदाज, उससे क्या आप लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं?
नहीं, प्रधानमंत्री के बोलने के आवाज से हम बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नेता आज तक हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, नेता बनना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने से कोई नहीं, आम इंसान हूँ मैं, नेता नहीं हूँ। नेता आगे चल के भविष्य में, भविष्य में कोई भविष्य में अगर मैं चाहूंगा तो नए युवा भर्ती हो तो आप युवा देश को चलाएं, और देश के जो सैनिक मर रहे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ उत्तर दे, मुंह तोड़ उत्तर दे। हाँ। एक वाक्य में कितना मुद्दा घुसा दिया, बहुत सा मुद्दा। मोदी ने ऐसा मुद्दा किया है जहां लोग पसंद है। मिलेगा तो अखिलेश यादव को जरूर सिखाएंगे हम युवाओं की ताकत क्या है, अखिलेश यादव को जरूर सिखाएंगे कि युवाओं की ताकत क्या है। ठीक, युवा बड़ा बट आज वो भी उनका भी रोड शो है, भीड़ से देख लिए होंगे, भीड़ से देख लिए होंगे, अपनी ताकत आज आजमाएंगे वो। अच्छा, भाजपा में दम है कि सपा में, कांग्रेस में? चलिए 11 को देखेंगे वो तो सभी लोग। मोदी जी बोले हैं बनारस में खेलेंगे, जरूर खेल के दिखाएंगे हम लोग, बोले हैं तो खेलेंगे जरूर है। थोड़ा थोड़ा तो अभी आप लोगों ने गुलाल लगाना शुरू ही कर दिया है, चालू हो गया होली, चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ही थोड़ा कुछ आगे, मुझे नहीं पता कि अभी हम लोग जा पाएंगे उधर या नहीं, एक सपा और कांग्रेस के लोग भी अपनी टोपी पहनकर खड़े हैं, करीब 20-25 लोग हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या प्रोग्राम है, स्वागत के लिए तो जाहिर है नहीं खड़े होंगे, पर हो सकता है किसी किस्म का, हो सकता है विरोध प्रदर्शन या किसी और तरह की योजना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन सपा और कांग्रेस के लोग भी वहाँ पर खड़े हुए हैं अपनी। कहाँ से हैं आप? हम लोग बीजेपी से हैं। नहीं नहीं, बीजेपी से तो हैं, कहाँ से? ये भदेनी क्षेत्र से। भदेनी से हैं ना, बाहर से आए हैं? नहीं, भदेनी से। अच्छा, भदेनी यहाँ मतलब ये मोहल्ले का नाम भदेनी है, ये मोहल्ला भदेनी है, हम लोग इसी जगह। मैं तो 80 समझता था। नहीं, ये 80 भदेनी दोनों एक सटे हुए एरिया। अच्छा, हम लोग मोदी जी को बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, वो तो दिख ही रहा है ना, बस वही यही बात बोलेंगे आप, नई बात तो नहीं बोलेंगे। नई बात में ये कि बहुत प्रोजेक्ट है मोदी, देखिए मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग पूरे इंडिया के लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ठीक, और नोटबंदी के लिए जो भी लोग परेशान होंगे वो परेशान, ठीक है, जो परेशान है वो परेशान है, आप खुश हैं। तो अभी क्या है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहीं से गुजरेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि वो नज़ारा दिखाएं। आज बनारस में कई वीआईपी प्रोग्राम हैं। बनारस में एक प्रोग्राम तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे, एक प्रोग्राम ये है कि राहुल गांधी अखिलेश की साझा रैली है, एक प्रोग्राम ये है कि मायावती की भी सभा है यहीं आउटस्कर्ट्स में, और एक प्रोग्राम ये है कि thelondontop.com का चुनावी कवरेज का आखिरी शो 5 तारीख को है कल, तो आइएगा शाम 4 बजे। नाटी इमली जगह है, वहाँ भरत मिलाप मैदान है, टीम हीरा और मोती 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश चुनाव की चौकस और चौचक चुनावी कवरेज कर रही हैं, तो वो दोनों भरत मिलाप मैदान पे मिलेंगी और वहाँ बनारसियों के संग एक मजमा एक महफिल जमेगी। तो आइएगा शाम 4 बजे से 5 तारीख को, अभी 4 बजे का ही समय है, शाम 4 बजे 5 तारीख को नाटी इमली में भरत मिलाप मैदान पर हमारा शो है कल। अभी ये मोदी जी आएंगे तो दोबारा लाइव आने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला इस गली में आ गया है, उनके साथ जैमर वाली गाड़ी भी चल रही है, तो हो सकता है बीच में नेटवर्क जाए। ये आप देख रहे हैं भीड़, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कटआउट्स, पीछे हनुमान जी की वेशभूषा में किसी को बना रखा है ना, 255 सीटें और कमल खिला हुआ है, उनके हाथ में गदा है, ये दिखाओ, 255 सीटें लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, और ये अपने मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, thelondontop.com के लिए।